नमस्कार, मैं छाया यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। और दोस्तों, कहते हैं ना कि मेहनत करो तो कभी भी जाया नहीं जाती है, या यूं कहें कि जिसमें टैलेंट है, जिसमें सीखने की लगन है, वो कभी भी पीछे नहीं रहता है। ऐसा ही कुछ हमारे इंदौर में भी हुआ है और देखने को मिला है। ऐसे में आज हमारे साथ स्टूडियो में दो ऐसे युवा साथी मौजूद हैं जिन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिससे ना सिर्फ उनका उनके पेरेंट्स का नाम रोशन हुआ बल्कि पूरे इंदौर शहर में उन्होंने अपना नाम रोशन किया, वो भी अपने टैलेंट के दम पर। आखिर क्या है वो टैलेंट और कौन सा मुकाम इन्होंने हासिल कर लिया है, तो इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे इनके बारे में खुद इनके जुबानी। तो फिलहाल तो मेरे साथ यहाँ पर अथर्व और चेतना यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम बात करने वाले हैं आज इसी विषय पर कि आखिर उन्होंने इंदौर में ऐसा कौन सा अचीवमेंट इंदौर को दिया है जिससे इंदौर का नाम काफ़ी रोशन हुआ है। चेतना, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा हम अपनी शुरुआत में बता रहे थे कार्यक्रम में कि आपने इंदौर का नाम काफ़ी रोशन किया है, तो क्या किया है आपने, किस चीज़ में आपने महारत हासिल कर ली है? मुझे और अथर्व को, दोनों को हमें CCRT जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा एक स्कॉलरशिप दी जाती है, जो भी कल्चरल फील्ड्स में युवा कलाकार हैं तो वो लोग उसके लिए अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, जो भी उसके लिए मेहनत करते हैं, सीख रहे हैं, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें एक स्कॉलरशिप दी जाती है और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप होती है, बहुत ही चंद लोगों को ये मिलती है। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें इस साल की ये स्कॉलरशिप मिल सकी। जी, कला के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आजकल के जितने भी युवा हैं वो कम रुझान ले रहे हैं। सभी लोग ऐसा चाहते हैं कि हम पढ़ाई में, स्टडी में ही आगे बढ़े और आगे नाम कमाएं। हालांकि पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं क्या रखा इन सब चीज़ों में, सीखने के लिए तुम सीख लो लेकिन करियर नहीं बना सकते, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो, ये हमेशा से प्रेशर रहा है। तो क्या चेतना, तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ था? नहीं, मेरे पेरेंट्स शुरुआत से ही बहुत सपोर्टिव थे। म्यूज़िक में कोई भी नहीं है घर से, पर उन्हें रुझान था इस म्यूज़िक से, म्यूज़िक को लेकर पसंद था उन्हें सुनना वगैरह, तो उन्होंने कभी भी इस चीज़ को लेकर रोका नहीं कि मतलब तुम्हें एकेडमिक फील्ड में ही जाना चाहिए। वो लोग काफ़ी सपोर्टिव थे। जी, अथर्व, इस बारे में आपका क्या कहना है, आपकी फैमिली कैसे करती थी, क्योंकि लड़कों को अगर देखा जाए, बॉस को अगर देखा जाए तो ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनको पूरा परिवार उठाना पड़ता है, लड़कियों को तो फिर भी एक बार बोल दिया जाता है कि हाँ तुम्हारा शौक है तुम कर लो, इस तरीके से तैयारी करना चाहती हो तो वाकई में करना चाहिए। तो एक लड़का होने के नाते क्या कभी तुम्हें इस तरीके की कुछ चीज़ें फेस करना पड़ी थी? नहीं, मेरे घर पर एक्चुअली थोड़ा म्यूज़िक ही चला है, मेरी मम्मी की फैमिली जो है तो वहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जो शौकिया तौर पे या प्रोफेशनली भी बहुत म्यूजिशियंस हुए हैं। और ये है कि मैंने तबला भी मेरे मामा से ही चालू करा था सीखना, और नाना जी ने भी मुझे बहुत प्रमोट करा है, और घर पे तो बहुत ज़्यादा ही प्रमोट करते हैं मम्मी पापा, और सीखने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। मतलब आपकी फैमिली से आपको काफ़ी सपोर्ट मिला है दोनों को। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको किस चीज़ में स्कॉलरशिप मिली है? तरह मुझे हिंदुस्तानी क्लासिकल में तबले में स्कॉलरशिप मिली है। तबले में आपको स्कॉलरशिप मिली है, तो जब आप तबला बजाते थे, मतलब जब आपने इसकी शुरुआत की होगी तो आपने कौन सी उम्र से इसकी शुरुआत की थी? बचपन से, वैसे तो मैं क्लासिकल म्यूजिक चालू कर दिया था सुनना। अच्छा, ऐसा अब मुझे तो इतना याद नहीं है, फिर भी मम्मी पापा कहते हैं कि मैं 3 साल का था जब से मैंने तालीम लेना स्टार्ट करी थी। तो 3 साल से आपने जब तालीम लेना स्टार्ट करी, तो अभी क्या उम्र है आपकी जब आपको स्कॉलरशिप मिली है? अभी मैं 21 साल का। 21 साल का, यानी कि जो 3 साल से लेकर 21 साल का सफर था, एक युवा होने के साथ समझदारी आती है उसी में उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया जो अभी तक कोई भी हासिल नहीं कर पाया। और वाकई में बहुत बड़ी बात है कि इंदौर से सिर्फ 2 लोगों का नाम इसमें सामने आया जिसमें हम आज इन दोनों से ही बात करें, बहुत अच्छा मौका मिला है हमें इनसे जानने के बारे में। चेतना, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, आपने कब इसकी शुरुआत की थी? मैंने शौकिया तौर पर ही 4 साढ़े 4 साल की थी जब मैं, तो मैं एक दोस्त के साथ ही जाती थी ऐसे, क्योंकि टाइम पास करने के लिए सीखने जाती थी, और फिर धीरे धीरे मुझे वहाँ मज़ा आने लगा, और फिर अभी पिछले 10 साल से मैं श्री गौतम काले जी इंदौर में, जो एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनके अंडर तालीम ले रही हूँ। गुरुकुल? जी, संगीत गुरुकुल। जी जी, बिल्कुल। तो ये आपने वहाँ से सीखा था जी, और जैसा कई बार देखा जाता है कि आपने तो बताया कि आपकी फैमिली का आपको काफ़ी सपोर्ट था, उन्होंने कभी नहीं रोका टोका। बहुत बार इंसान के खुद के मन में नेगेटिविटी आती है कि यार क्या है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो इसे छोड़ देना चाहिए, स्टडी पे ध्यान दो, तो ऐसा कभी कुछ हुआ आपके साथ? एग्जैक्टली ऐसा नहीं, पर म्यूज़िक या फिर कोई भी कला क्षेत्र एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको कोई भी एक
सेटलमेंट नज़र नहीं आता नहीं है आता है बहुत जल्दी। बिल्कुल। तो ज़रूर ऐसा कई बार लगता है कि हम लोग इतना रियाज कर रहे हैं पर उसका क्या आउटपुट निकलेगा, पर जब हम उसको लेकर बैठते हैं वापस पूरे मन से गाने के लिए बैठते हैं तो फिर रियलाइज़ होता है कि यही एक चीज़ है जो हमें आगे करनी है लाइफ में। चलिए अथर्व, यहाँ से आपसे यहाँ पर हम पूछना चाहेंगे कि क्या आगे भी आप इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल इसी में अपना करियर बनाना चाहते हो, और चेतना तुम जी बिल्कुल। ये दोनों ही इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। चलिए ये तो हुई इनके बारे में बातचीत, इन्होंने कब से स्टार्ट किया, आप लोग इसके साथ में स्टडी भी कर रहे हैं? जी मैं जी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। और चेतना आप? मेरा म्यूजिक में एमए हो चुका है और अभी मैं पीएचडी स्टार्ट करने वाली हूँ। मतलब PhD करने वाले, मतलब अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रख रही हैं और उसी में रियाज करती हैं, उसी में अपनी तैयारी करती हैं और आगे भी इसी में अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आपने एक मुकाम हासिल किया, आपने स्कॉलरशिप हासिल की है और ये इंदौर में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स को मिली है, तो ये जो स्कॉलरशिप थी आपने बताया कि गवर्नमेंट के थ्रू आपको मिली है, तो क्या राशि आपको प्राप्त हुई स्कॉलरशिप के थ्रू? इसमें 2 साल तक ये स्कॉलरशिप रहती है और पर मंथ अराउंड 5,000 रुपीज़ मिलते हैं। तो ये स्कॉलरशिप मतलब जो दी गई है ये आपको एक मुश्त किश्त में दे दी जाती है कि आप कि पूरी स्टडी के लिए आपको दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है अभी भी, तो उस बारे में कुछ बताएं। एक पर मंथ इसमें अमाउंट आता है अच्छा और आगे की ट्रेनिंग या आपके इंस्ट्रूमेंट्स रिपेयरिंग या खरीदना कुछ भी जो आपको जैसा यूज़ करना है बस म्यूजिक के लिए इसमें जो भी हम लोग पैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए रहता है। और मतलब ये सिंपली अगर देखा जाए तो इसको ये कहा जा सकता है कि आपकी मतलब आप इस क्षेत्र में आगे आए हैं, इसमें आप और निखर कर सामने आए, तो इसमें आपको फाइनेंशियली किसी तरह की दिक्कत जी नहीं आए, इसलिए गवर्नमेंट आपको दे रही है। जी तो अच्छा, तो फिर भी कितनी किस्त आ जाती है 1 महीने का अप्रोक्स आइडिया अगर हम जानना चाहें, जो फाइव दूसरे थाउजेंड रुपीज समथिंग पर इतनी मंथ। आ जाती है पर मंथ? ओके, 5,000 पर मंथ आ जाती है। तो इससे स्कॉलरशिप के बारे में आपको पता कैसे चला था कि कुछ इस तरीके की व्यवस्था भी है हमारे भारत देश में? बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है जैसा कि ये मैंने बताया और इसमें जो जजेस आते हैं इंटरव्यू में जो जजेस वो भी काफ़ी बड़े बड़े लोग आते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस साल ये स्कॉलरशिप मिली है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आपका सौभाग्य, और सौभाग्य के साथ साथ आपकी मेहनत का भी फल है कि आपको ये हमारी मुकाम नहीं है, मिला हमारे है। सब जो कुछ भी है ये हमारे गुरुजी का है। जी बिल्कुल। एक यहाँ पर चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आप कंपटीशन के लिए वहाँ गए, जहाँ पर भी आपका कंपटीशन होता है, कहाँ हुआ था ये कंपटीशन दिल्ली आपका? दिल्ली में कंपटीशन हुआ था जैसा आपका, तो कितने कॉम्पिटिटर थे आपके साथ में, कितने लोगों के बीच आप दोनों का मुकाबला था? मैंने वोकल में मुझे स्कॉलरशिप मिली है उसमें अराउंड 300 या 320 स्टूडेंट्स थे। 320 में आप अकेले जीती हैं या नहीं कुछ और नहीं स्टूडेंट्स 30 स्टूडेंट्स भी? को ये अच्छा स्कॉलरशिप मिली है टोटल ऑल अराउंड 30, इंडिया। अच्छा ऑल अराउंड इंडिया में। और आपके साथ कितने थे? तबले में अराउंड 200 लोग आए थे और 18 लोगों को ये स्कॉलरशिप मिली है। को ये स्कॉलरशिप मिले पूरे इंडिया में, तो बहुत ही अच्छी बात है कि इंदौर का नाम भी इन इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में इंदौर का नाम भी रोशन किया। चलिए आप दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हम और हमारी पूरी टीम आपकी यही चाहेंगे कि आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, चाहे आप इसमें हो, एजुकेशन में हो, या जिसमें भी आप मेहनत करें, ज़रूर सफलता पाएं। आज हम आप हमारे बीच आए और ढेर सारी बातें करी, ढेर सारा नॉलेज दिया हमारे साथियों को, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी आपकी तरह इंटरेस्ट रखते हैं वो भी इसमें आगे बढ़ने के लिए अगर मेहनत करते हैं तो उन्हें ये जो आपने तरीका बताया उसके लिए ज़रूर अप्लाई करेंगे। आज आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।